know we're acting stupid. वेलकम टू दिस ब्लॉग, अनदर ब्लॉग नहीं बोल सकता क्योंकि पहली बार शिप में लाइक ब्लॉग टाइप बना रहा हूँ. यूएस में क्या है ना कि ज्यादातर जगह पे ये लोग ना बड़ी बड़ी सेफ्टी की बातें करते हैं, बस बहुत ज्यादा सेफ इनके बर्थ्स होते नहीं है. देखो कैसे टूटे फूटे रस्टेड यहाँ पे. और ये जो बर्थ जहाँ पे हमें बांधा हुआ है ये एक्चुअली छोटे बार्जेस का बर्थ है, मगर हमारे इस बड़े से जहाज को इस लगा दिया. देख रहे हैं आगे जो जहाज, ये वाला ये जहाज के साइज का बर्थ है हमारा भी, मगर हमको भी इधर फिट कर दिया. यहाँ पे एक ब्यूटीफुल शिप है. सामने टैंक पे किसी ने बहुत अच्छा स्टेंसिल कर दिया है, नोबडी गेट्स हर्ट. बाकी एज यूजुअल बाहर कैमरा मोबाइल कुछ भी वीडियोग्राफी ये सब अलाउड होती नहीं है, तो मैं करता भी नहीं. और मेरी स्टारबोर्ड साइड वाली विंडो से देखेंगे तो वेदर देखो कितना जबरदस्त है यार. ड्रोन उड़ाने के लिए परफेक्ट वेदर, और उड़ा दो तो तीन चार जहाज का क्या आएगा. मगर नहीं, यू हैव टू फॉलो रूल रेगुलेशन. संडे का ब्रेकफास्ट नॉर्मली मैं अपना सोया मिल्क और ये ओट्स और थोड़ा बहुत अपना पीनट बटर ये सब चीजों से मैनेज करता हूँ, क्योंकि रहता है मेनली ब्रेकफास्ट में सॉस है जिसको तो मैं टच भी नहीं करता. संडे को अगर आप किसी भी इंडियन शिप पे हैं तो होता है लंच में बिरयानी. गुड आफ्टरनून. एज आई सेड बिरयानी, वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी. कुछ लोग मेरे को वेजिटेरियन देख के वेज हो गए जहाज पे. वेज का बाउल धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है. फूड को लेके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और जाहिर सी बातें आने भी चाहिए क्योंकि फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप दिन में तीन बार खाना खाते हैं तो आप लोगों का हमेशा कंसर्न रहता है कि यू नो शिप पे कैसा खाना मिलेगा, नहीं अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा. तो एनीवेज जब भी आप अगर पूरे इंडियन क्रू के साथ है तो इंडियन फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिक्स नेशनलिटी के साथ सेलिंग कर रहे तो फिर आपको थोड़ा रोटी सब्जी यू नो अपने इंडियन खानों का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है. बट इन जनरल सभी शिप्स में फूड का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही खाना मिलता है. अच्छा ऐसे मिलता है कि कंपनी में एक चीज होती है उसको कहते हैं विक्चुअलिंग. तो ये विक्चुअलिंग होता है $7.5 से लेके $10 तक, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंपनी में हैं. तो विक्चुअलिंग ये $7.5 बोलने का मतलब है कि बेसिकली कंपनी मैक्सिमम $7.5 पे करती है जहाज पे एक बंदे का एक दिन के राशन खाने के लिए. इंडियन सेटअप में ये $7.5 टू $10 हमेशा सफिशियंट होता है और कभी ये प्रॉब्लम आता नहीं है, क्योंकि इंडियंस नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मीट नहीं खाते. वो मीट खाते भी है तो नॉर्मली चिकन मटन, और ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं. और फूड की बात हो रही है तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि सबको एटलीस्ट वेजिटेरियन होना चाहिए, आइडियली वीगन होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ इसको और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, बहुत जल्दी मेरा रिकवरी हो. तो जब से मैंने वेजिटेरियन फूड ट्राई किया है और वीगन बनने की मैं कोशिश करता हूँ. मैं ये नहीं बोलता मैं स्ट्रिक्टली वीगन हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ. मैं अपने बारे में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जब से, और मेरा वर्कआउट के बाद जो मसल सोर रहता है, स्टिफनेस रहता है, वो सब बहुत फास्ट हो गया रिकवरी. तो जाएंगे हम गैली में स्टोर में, बट उसके पहले बात फूड की हो रही है तो बॉन्ड स्टोर दिखाना आपको जरूरी है. मेरे कैबिन के एक डेक नीचे है बी डेक, और यहां पे होता है बॉन्ड स्टोर. फिलहाल मेरे बॉन्ड स्टोर में ये सारी आइटम है, नॉर्मली पीनट पॉपकॉर्न डोरिटोस चिप्स सम चॉकलेट्स मिनरल वाटर, और जो लोगों को गंदी आदत है स्मोकिंग की उनके लिए सिगरेट, ये सारी चीजें होती है. उनके प्राइस कुछ इस तरीके के होते हैं. जो कुछ भी आप इस स्टोर में देख रहे हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और वो आपकी सैलरी में मंथ एंड में मैं अकाउंटिंग जब करता हूँ तो जिसका भी जो बिल होता है उसको मैं डाल के वहाँ से डिडक्शन हो जाता है. हमारा बॉन्ड स्टोर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मेनली यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, थोड़ा बहुत सिगरेट मिलेगा, चॉकलेट्स मिलेंगे और चिप्स मिलेंगे, और ये थोड़े बहुत पीनट कैशू नट मिक्स नट. और जो लोग थड़ों से बनने वाले भूलना मत, बॉन्ड स्टोर के अंदर भी एक्सटिंग्विशर होता है, इसको भी चेक करना पड़ता है. एक डेक नीचे और चलेंगे तो आ जाएगा ए डेक. अब हम आ चुके हैं ऑफिसर्स मेस रूम में. यहाँ पे देखेंगे तो 6 लोग के बैठने की अच्छी जगह है, और वहाँ भी 6 लोग के बैठने की जगह है. ये चार चेयर जो आप देख रहे हैं जिनके ऊपर हमने कैनवस लगा रखा है, ये बेसिकली वर्किंग क्लोथ्स में अगर आप आते हैं जिनमें कि आपका कपड़ा थोड़ा गंदा होता है तो आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं. किसी किसी शिप में आपको सेपरेटली ड्यूटी मेस होता है इस काम के लिए, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमने ये वाला अरेंजमेंट बनाया है. यहाँ
ये डोर ले जाएगा सीधा हमें गैली में। गुड आफ्टरनून, खाइए खाइए, नो प्रॉब्लम। तो गैली में आएंगे तो देखेंगे चीफ कुक अपना लंच कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टरनून में इनका रेस्टिंग का टाइम होता है, 2 घंटे रेस्ट करते हैं। इंडियन शिप में बहुत काम रहता है, बहुत खाना बनाना पड़ता है, मगर बहुत ही शौक से बनाते हैं और हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना रोज खाने को मिलता है। कटलरी सामान रखने के लिए बहुत सफिशिएंट जगह होती है, बड़ा सा फ्रिज होता है सारी यहाँ पे आपको पैंट्री दिया हुआ है बर्तन वर्तन धोने के लिए और देखेंगे तो रखने के लिए। सेफ्टी के भी सिस्टम्स बहुत रहते हैं गैली में। फायर ब्लैंकेट, फायर अलार्म, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, तो टैंकर है हर जगह दिख जाएगा आपको। और अब मैं वापस आ गया ऑफिसर साइड के मेस रूम में, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच बॉक्स है। बेसिकली अगर किसी भी रीजन से गैली में अगर आग वाग लग जाती है तो हमें ये इमरजेंसी स्टॉप दबाना है, जिससे कि सारे सप्लाई फैन, एग्जॉस्ट फैन, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और मेन चीज होता है कि यहाँ पे देखिए 4 हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, जिसके ऊपर की खाना बनता है। गैली के दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम मेस रूम है, देखिए ये क्रू साइड का मेस रूम है, यहाँ पे चेयर थोड़ी ज्यादा है, बाकी सब कुछ सेम है। अभी चलते हैं देखने कहाँ रखते हैं हम हमारा इतना सारा राशन, रखते कैसे हैं, डाउन टू प्रोविजन स्टोर। बात ऐसी है कि हमने इसी पोर्ट में अभी प्रोविजन लिया था, तो चीफ कुक ने अरेंज किया है, अभी ये सब गार्बेज में जाएगा, खाली डिब्बे वगैरह अरेंज किए जाएंगे। तो अपने चैनल का तो काम है भाई, जो है जैसा है वैसे ही दिखाने का और सच बताने का, तो हम लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लोअर की आवाज काफी है, आई एम श्योर मेरा रोड वायरलेस गो माइक से आपको ऑडियो में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये जो एरिया जो आप अभी देख रहे हैं इसको बोलते हैं ड्राई प्रोविजन स्टोर, यहाँ पे जो भी ड्राई सामान रहता है खाने पीने का वो सब रखा जाता है। एक एक आइटम तो दिखाना जस्ट इम्पॉसिबल होगा। इन जनरल देखते हैं यहाँ पे कॉफी पड़ा हुआ है, हनी पड़ा हुआ है, अचार पड़ा हुआ, ऑल इंडियन शिप है तो आपको हर टाइप का अचार मिल जाएगा, कॉफी मेट पड़े हुए हैं, क्रीमर पड़े हुए हैं, पॉपकॉर्न पड़े हुए हैं। तो ऐसे करके बेसिकली दोस्तों जो लोगों को टेंशन है कि जहाज पे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वजन कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, जहाज पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि सर ये जो खाना आप दिखा रहे हो फोटो में वीडियो में सिर्फ ऑफिसर के लिए या क्रू के लिए? तो भाई मैं क्लैरिफाई करता हूँ, जो भी खाना बनता है सब लोग सेम खाते हैं, क्रू ऑफिसर ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स अपने लिए कुछ स्पेशल बनवा लेते हैं, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता और मैं ऐसा कभी नहीं करता। दोस्तों पोर्ट में क्या होता है कि हमें ना फूड वेस्ट भी पानी में फेंकना अलाउड नहीं होता, ओपन सी में हम सिर्फ फूड वेस्ट फेंक सकते हैं, बाकी कोई भी गार्बेज फेंकना अलाउड नहीं होता। पोर्ट में जब हम रहते हैं तो फूड वेस्ट को भी हम इस फ्रीजर में रखते हैं और जब ओपन सी में जाते हैं तब उसको डिस्कार्ड करते हैं। ये जो पैनल मेरे सामने देख रहे हैं बहुत काम का पैनल है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं मीट रूम, फिश रूम, वेजिटेबल रूम। वेजिटेबल रूम है +5 पे, फिश रूम है -17 पे और मीट रूम भी है -17 पे, तो टेम्परेचर सब कुछ परफेक्ट है। अगर हमारे फ्रीजर्स का टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो अलार्म आएगा, वो इंजन रूम में भी आएगा और इंजीनियर्स फिर उसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। जो फूड हमने स्टोर करके रखा हुआ है वो कभी भी खराब नहीं हो। दोस्तों नॉर्मली जब जहाज पे प्रोविजन आता है तो वो 1-1.5 महीने के लिए हम मंगा पाते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने तक का राशन हम आराम से रख सकते हैं। अभी मैं घुस रहा हूँ मीट रूम में, ओहो बहुत ही ठंडा है, आइडियली आपको विंटर गियर वगैरह सब कुछ पहन के इसमें जाना चाहिए। किसी भी शिप के फ्रीजर रूम में आप देखेंगे तो एंट्री पे आपको ये अलार्म मिलेगा, अगर किसी रीजन से चीफ कुक अंदर लॉक हो गया है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो इसको दबा सकता है और शिप पे अलार्म आ जाएगा और उसको सेव करने के लिए शिप के लोग अलर्ट हो जाएंगे, मगर आई होप ऐसा किसी भी चीफ कुक के साथ कभी भी ना हो। और एक्स्ट्रा मीट वगैरह आ जाए तो यहाँ पे लटका भी सकते हो। बाकी के दोनों रूम भी सेम ही रहने वाले दिखने के लिए, बस डिफरेंस ये रहेगा कि फिश रूम में भी अपना -17 टेम्परेचर रहेगा और देखिए तो एकदम सेम है, ओनली थिंग कि फिश को यहाँ पे सेपरेटली रखा जाता है। और इसी के बाजू में वेजिटेबल रूम में इतनी ठंडी नहीं लगने वाली क्योंकि ये +5 है और वेजिटेबल रूम हमारा थोड़ा सा बड़ा है, जो कि इंडियन शिप पे होना भी चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन खाते हैं और वेजिटेरियन खाना बनता भी है मस्त। देखते हैं चीफ कुक ने क्या क्या छुपा के रखा है यहाँ पे, मिर्ची, भिंडी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं होगा, प्याज, बड़े बड़े प्याज, टमाटर कितने फ्रेश, गाजर, अदरक, तो भाई लोग सब कुछ मिलता है जहाज पे, कुछ भी चिंता मत करो, ऑरेंज फ्रूट, रूट, मिल्क सब कुछ मिलता है। कलर के बोर्ड्स आपको ये बताते हैं कि अलग कलर कोडिंग है, कोई भी बोर्ड आप किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, फिश वाला बोर्ड फिश में, वेजिटेबल वाला वेजिटेबल में और मीट वाला मीट में ही यूज होगा। यहाँ पे आएंगे तो सेम स्टोरी नाइफ्स की भी है, नाइफ में भी कलर कोडिंग है, आप कोई भी नाइफ किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। जाते जाते दोस्तों लास्ट चीज गार्बेज देखिए, यहाँ पे शिप में हम कैसे सेग्रीगेट करके रखते हैं, पेपर अलग, फूड वेस्ट अलग, प्लास्टिक अलग, तो लैंड पे भी मैं आप लोग को बस रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही सेग्रीगेट करके रखिए। और कोई फूड रिलेटेड डाउट आपके पास हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।